हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। कोरोना वायरस के चलते जरूरतमंदों को चीजें पहुंचाने का जिम्मा लगातार हरियाणा न्यूज उठा रहा है और इसी कड़ी में ग्रामीण क्षेत्रों में हरियाणा न्यूज की मुहिम के साथ एनटीपीसी भी जुड़ गया है। फरीदाबाद में एनटीपीसी ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले सैकड़ों प्रवासी मजदूरों को खाने पीने की सामग्री मुहैया करा रहा है। एनटीपीसी की एचआर हेड प्रेमलता की माने तो सरकार की ओर से निर्धारित सभी नियमों का पालन एनटीपीसी कोरोना वायरस से बचने के लिए कर रहा है। उन्होंने बताया कि रोजाना एक गांव में 100 से 150 के करीब गरीब और प्रवासी मजदूरों को राशन एनटीपीसी की ओर से दिया जा रहा है। आज हम मिर्जापुर में ये राशन बांटा जा रहा है और ये करीब 100 फैमिलीज के लिए हम लोगों ने आज ये राशन बांटा है। इसके अंदर की 10 किलो आटा, 5 किलो चावल, 2 किलो दाल, 1 लीटर तेल और नमक, हल्दी, जीरा ये हम बांट रहे हैं। क्या पैमाना बनाया जिन 100 फैमिली को दे रहे हैं, ये प्रवासी लोग हैं उनको दे रहे हैं या गांव के हर व्यक्ति को आप ये राशन दे रहे हैं? नहीं, हमें हमारे पास खबर मिली थी कि कुछ ऐसे प्रवासी मजदूर भाई लोग हैं जो कि यहाँ पे अटक गए हैं इस कोविड की वजह से, तो उन लोगों के लिए हम ये राशन दे रहे हैं।